बस तो काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि मसाज की वीडियो बनाओ, मसाज की वीडियो। बस तो आज मैंने सोचा कि चलो मसाज की वीडियो बना लेती हूँ। बस तो ये सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहता है मसाज में। मम्मी मेरी सेवा करने में लगी है, कभी मेरी धड़न ठीक करते हैं, कभी मसाज करते हैं। ऐसे बोलो, मेरी बहू को सपोर्ट करो, मेरी बेटी को सपोर्ट करो। किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब को जरूर कर दो। तो लाइक भी क्या करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। पहले तो एक बार तो थोड़ा सा सही सब्सक्राइब हो रहे थे, प्लीज सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपका लाइक करने में क्या जा रहा है, एक बटन दबाना है आपको। चलेंगे दुपट्टा हो या स्टोल हो, कुछ भी हो, तो उसको ऐसे उसका राउंड बना लेंगे। तो वो बना लेंगे हम। मेरा तो कुछ ज्यादा ही मोटा इंडा ही बन गया। कोई स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रही। तो गाइज ये वाला तरीका हमें बहुत सेफ्टी से करना है। यह इसको नाभि के सेंटर पे ही रखना है, और जो ये चार पाई है इसके पाए को इसके ऊपर नाभि के बीच रखना है। तो दोस्तों ये वाला तरीका सुबह सुबह दो तीन बार करना है। और जैसे हमने ये चार पाई का पाया पेट के ऊपर रख रखा है, इससे हमारे पेट में दर्द भी होगा, और दर्द इसलिए होगा कि ये नसें खींचती है ना, इसलिए दर्द होता है। और हमें ना इसको ज्यादा दर्द होए तो हम इसको एक बार हटा भी सकते हैं, बीच में एक बार या दो बार हटा भी सकते हैं। और इसको चार या पांच मिनट तक जरूर करना है। तो ये पाया क्या काम करता है कि हमारी धड़न जैसे इधर उधर हो जाती है उसको सेंटर में ले आता है। पाई का वजन हमारे पेट के ऊपर पाया रखा है उसके ऊपर ही आ जाता है। मैं एक बार बीच में हटा लेती हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। तो दोस्तों ये वाला तरीका जिसकी नाभि बार बार खिसकती है उनके लिए सबसे अच्छा है ये वाला तरीका, लेकिन आपको बहुत सावधानी से करना है। और अगर आप अकेले कर सकते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोनों पैरों को एकदम सीधा इस तरीके से उठाना है, और धीरे 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 इनको नीचे ले जाना है। और ये वाला स्टेप आपको दो या तीन बार करना है। तीन बार ये वाला स्टेप करें, और उसके बाद में आपको धड़न चेक कर लेनी है कि इनकी धड़न एकदम सेंटर में आई या नहीं आई। उसके बाद में हमें इनको इनके पैरों को एकदम सीधा इस तरीके से मोड़ना है, और हमें इनके दोनों पैरों के ऊपर पैर रख के इनको एकदम सीधा उठाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एकदम सीधा लेटना है, एकदम रिलैक्स होकर लेटना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। जो मैंने सरसों का तेल लिया है, और क्या करना है आपको नाभि के चारों तरफ सरसों का तेल लगा लेना है। इस तरीके से आपको सरसों का तेल लगा लेना है नाभि के चारों तरफ। और उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्या है कि ये लोटा लेना है पानी का, और आपको इसमें इतना ही पानी लेना है कि पानी लोटे से बाहर ना आए, बाहर ना निकले। और आपको इस तरीके से नाभि के सेंटर के ऊपर रख देना है, और सबसे पहले आपको एक बार अपनी धड़न चेक कर लेनी है। करने के बाद में आपको लोटा एकदम नाभि के सेंटर के ऊपर रखना है। आप उसके ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, इस तरीके से आप हाथ रख सकते हैं, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है आपको, एकदम सीधा रखना है हाथों को। ऐसे हमारे पेट के ऊपर हल्का हल्का सा वजन आएगा, और जैसे ही हमारे पेट के ऊपर वजन आएगा तो हमारी नसें खिंचेगी, और नसें खींचने के बाद में क्या है कि जैसे ही हमारी नाभि जो खिसकी हुई है वो धड़न को एकदम सेंटर के ऊपर ले आएगी।
वाला तरीका आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट तक जरूर करना है। मैं आपको इस तरीके से उठ जाना है। अगर आपके पास कोई है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप सीधे हाथ करके वो आपको उठा सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप इस तरीके से एक साइड में मुंह करके और उठ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।